इन दिनों दानहा के भाजपा संगठन में बड़ी बड़ी दरारें स्पष्ट दिख रही है। बीते कई दिनों से भाजपा में कई गट दिखाई दे रहे हैं जो अपने अपने पक्ष में टिकट के लिए लॉबिंग करने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने संकेत दिए थे कि सिटिंग एमपी नटू पटेल का काम बेहतर है। उस दिन से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नटू पटेल को ही भाजपा का टिकट मिलेगा, लेकिन अचानक दानहा भाजपा में फूट दिखाई देने लगी। यहां कुछ समय से दादरा नगर हवेली की उभरती भाजपा नेत्री और समाज सेविका अंकिता पटेल के समर्थकों ने उनको टिकट दिलाने की मुहिम छेड़ रखी है। बीते दिनों इस संबंध में पोस्टकार्ड अभियान भी चलाया गया था। इस क्रम में शनिवार को भाजपा के अटल भवन में अंकिता पटेल के समर्थकों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिस बैठक में बड़ी संख्या में अंकिता पटेल के समर्थक उपस्थित थे। इस बैठक में उपस्थित समर्थकों ने एक सुर में कहा कि वर्तमान सांसद नटू पटेल ने कुछ काम नहीं किया है। काफी समय से अंकिता पटेल दादरा नगर हवेली में समाज सेवा कर रही है। वे शिक्षित है, युवा है, महिलाओं की समस्याओं को समझती है, इसलिए उन्हें टिकट मिलना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा का टिकट अंकिता पटेल को ही मिलेगा। सबकी यही मांग है कि 2019 का जो अभी इलेक्शन आ रहा है उसमें सब जगह से, इवन गांव से या फिर सिटी से एक ही पुकार है कि अभी अगला जो नेता होगा वो शिक्षित होगा। और अभी देखिए हर गांव में, हर मंडल में जाके सुश्री अंकिताबेन पटेल वो गांव-गांव जाके सब लोगों का हाल चाल पूछ रही है। तो सभी लोगों का यही कहना है कि अभी अंकिताबेन पटेल को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट मिले, यही हमारी अपेक्षा है। हमारा संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी का दीव दमन और दादरा नगर हवेली का संगठन मंत्री जो है विवेक दाड़कर जी, उनको सबकी तरफ से डिमांड जो है उसके आवेदन के रूप में हमने दे दिया है इसको। क्या अंकिताबेन टिकट नहीं देंगे आप? क्या अंकिताबेन आपस में खड़ा रहेंगे? नहीं देंगे, अंकिताबेन को ही टिकट देंगे क्योंकि उसने काम किया है ऐसा। हर जगह पे जाके, हर गांव में जाके, हर छोटे बच्चे बूढ़े जो भी है उनका उसने हाल पूछा है, देखा है, उसने करीब से देखा है। और सब लोगों की यही मांग है, डिमांड है कि भाई अभी नेता जो है वो अंकिता पटेल जैसा नेता होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी को टिकट नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी पहले देखते हैं उसका कार्य कैसा है, गाँव में जाती है, सिटी में जाती है, किसी के जो अंत्योदय का जो है वो अंत्योदय ऐसे ही नहीं बोला गया है, वो हर अंत का आदमी है, अंत का व्यक्ति है, वहाँ पे जाके उसकी दुख दर्द समझते हैं और उसके जो दिल से निकलते हैं कि अंकिता बेन आपको टिकट मिलेगी तो हमें दादरा नगर हवेली का उद्धार होगा। यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे हर दादरा नगर हवेली के पूरे मंडल से लोग आए हुए हैं और सबकी यही डिमांड है, सबकी यही मांग है कि अभी जो टिकट मिलेगा वो अंकिता बेन पटेल को टिकट मिले। ऐसे कि हमने देखा कि 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत थी तभी तो काम अच्छे हुए। बाद में 2014 में जब भी चुन के आए तभी से मेरे ख्याल से और गांव लोगों के कार्यकर्ता से ध्यान में ऐसा नहीं आया कि कोई गांव में जाके उसने विजिट किया कि पंचायत में जाके उसने कुछ कार्य किया। एक भी कार्यक्रम 2014 से आज तक एक भी कार्यक्रम नहीं किया, कार्यकर्ता के साथ में कुछ बैठक नहीं की, कार्यकर्ता का कोई हाल नहीं जाना, उसकी कोई दुख है, दर्द है, जो भी उसके समस्या नहीं जानी। इसलिए गांव में जो वर्तमान सांसद है उनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के जो भी वर्तमान सांसद है उनके ऊपर आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है। इसीलिए लोगों चाहते कि कुछ नया चेहरा लाए और शिक्षित होना चाहिए। अभी जो आप बोल रहे पढ़े लिखे तो वो तो आपको पता है, उसके फॉर्म में, सांसद के फॉर्म में लिखा है कितना है, वो जो जानने की जरूरत नहीं है, उसने क्वालिफिकेशन उसने फॉर्म में भरा है। आज हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि अंकिता बहन ही आए क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है और लेडीज़ को वो अच्छी तरह से समझती है, जानती है, हर प्रॉब्लम को समझती है, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। हमारा मानना ऐसा है कि एजुकेटेड एमपी होंगे तो हमारे बच्चों का भी फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, तो अंकिताबेन बहुत ही अच्छे से समझते हैं और आगे चल के बहुत अच्छा, तो हमको चाहिए कि अंकिताबेन को ही टिकट मिले बीजेपी से। हमारा मानना यही है। सब बहनों का अंकिताबेन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ।